अप्रतिम सौंदर्य और अनमोल प्राकृतिक संपदा का स्वामी हिमालय। सूर्य की किरणें सर्वप्रथम इन्हीं पर्वतमालाओं को चूमती हैं। इसके एक ओर धवल हिम से आच्छादित पर्वत श्रेणियां हैं, तो दूसरी ओर हरे भरे वन। हिमालय की गोद में बसा है भारत का उत्तरांचल राज्य। गढ़वाल और कुमायूं क्षेत्रों से गठित इस राज्य में अनेक नदियों और जलधाराओं का जन्म होता है। गंगा और यमुना जैसी बड़ी नदियों के उद्गम भी यहीं पर हैं। प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस क्षेत्र में वन एवं जल स्रोतों के अविवेकपूर्ण दोहन और अनुचित प्रबंध से गंभीर समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। भूस्खलन, भूक्षरण से त्रस्त यहाँ के निवासी जल का गंभीर अभाव झेल रहे हैं। बढ़ते शहरीकरण, सड़क निर्माण और खनन गतिविधियों ने भी क्षेत्र के पर्यावरण को चोट पहुंचाई है। जल संरक्षण की तकनीकों से अनभिज्ञ कृषक समुदाय गरीबी एवं अभाव का जीवन जीने को विवश हैं। इस क्षेत्र में 1700 से 2000 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, परंतु वनस्पति विहीन पर्वतीय ढाल से लगभग 50% पानी मैदानों में पहुंच जाता है और अपने साथ मिट्टी की उपजाऊ परत भी बहा ले जाता है। इस तरह प्रतिवर्ष औसतन 20 टन प्रति हेक्टेयर उपजाऊ मिट्टी पर्वतों से सरकती जा रही है। दून घाटी में कुल वार्षिक वर्षा का 80% केवल जुलाई एवं अगस्त के महीनों में बरसता है। मध्य हिमालय क्षेत्र में अनुसंधान से पता चलता है कि वर्षा का लगभग 45% पानी उपसतही प्रवाह से और केवल 5% सतही प्रवाह से बहता है। वर्षा जल संग्रह के अभाव में यहाँ के किसान शेष महीनों में फसलों की सिंचाई के लिए तरसते रहते हैं। समस्या का निदान जल संग्रह और प्रबंध की उचित तकनीकें अपनाने में है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल संग्रह की बड़ी संरचनाओं का निर्माण व्यवहारिक नहीं है, साथ ही जल प्रबंध में ग्राम वासियों की सामुदायिक भागीदारी भी अनिवार्य है। संपूर्ण जलागम क्षेत्र के किसानों के ज्ञान और कौशल का लाभ उठाते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करना संभव है। विकास के इन्हीं लक्ष्यों को सामने रखते हुए देहरादून स्थित केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान ने सामूहिक भागीदारी से जल प्रबंध का बीड़ा उठाया। इसे बल मिला भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी परियोजना से, जिसने जल प्रबंध की तकनीकों को गांवों तक पहुंचाने के लिए आवश्यक संसाधन मुहैया कराए। संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम के माध्यम से जल प्रबंध की गंगा गांवों तक बहाने का संकल्प लिया गया। सहभागी सामूहिक प्रयास से मसूरी के निकट सैंजी में जल संसाधन प्रबंध का कार्य और देहरादून के रायपुर प्रखंड में चार गांवों कालीमाटी, भोपाल पानी, सौडा सरोली और बड़ासी में सामुदायिक प्रयास की शुरुआत हुई। सैंजी जल समेत क्षेत्र में उपसतही जल प्रवाह को संचित करने के लिए 80,000 लीटर क्षमता के एक जलाशय का निर्माण किया गया। इस पर 1,70,000 रुपए की लागत आई, जिसमें 22,800 रुपए का अंशदान ग्राम वासियों द्वारा किया गया। इस जलाशय में संचित जल को गूलों के माध्यम से 15 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हेतु पहुंचाया जा सकता है। इस पानी के टैंक के बनने से हमें एक इतना बड़ा लाभ हो जाएगा कि हम पूरे वर्ष भर हम कम से कम 3-4 फसलें ले पाएंगे। इस क्षेत्र में सतही जल के साथ गाद और अपवाह को रोकने के लिए 28 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 3,100 खाइयां और 775 गड्ढे खोदे गए। किसानों के सहयोग से बहुउद्देशीय वृक्षों की लगभग 2,900 पौध का रोपण किया गया। भूस्खलन को रोकने के लिए गैबियन संरचनाओं का निर्माण किया गया। सुअर, मुर्गी तथा मछली पालन और सब्जी उत्पादन की एकीकृत तकनीक संस्थान द्वारा इस जल समेत क्षेत्र में प्रदर्शित की जा रही है। किसानों को फसलों की उन्नत उच्च प्रजातियों के बीज आवंटित किए गए, जिससे उनकी फसल में अपेक्षित वृद्धि हुई। केंद्रीय जल संरक्षण वालों ने हम लोगों की अनेक मदद की है, जैसे कि नाले बनाए हैं, मुर्गी फार्म, मछली पालन
और अनेक और भी हम लोगों की मदद की है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में अनाज पीसने का मुख्य साधन पंचक्कियां होती हैं। इन जलधाराओं और उनसे निकली गूलों से पंचक्कियों के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस समय समूचे उत्तरांचल में 8 लाख पंचक्कियां हैं। इसमें से सैंजी जल समेत क्षेत्र में 28 पंचक्कियां हैं। ये पंचक्कियां यहाँ के स्थानीय लोगों की जीविका का एक प्रमुख साधन है। जल स्रोतों के सूखने के कारण ये पंचक्कियां कार्य नहीं कर रही थीं। जल संसाधनों के विकास से अब इन पंचक्कियों का पुनर्जीवन संभव हो गया है। इन पंचक्कियों में वर्ष भर में लगभग 2100 क्विंटल अनाज की पिसाई की जाती है, जिसमें मुख्यतः गेहूं, मक्का व मसाले आदि हैं। पंचक्कियों में प्रयोग होने वाले जल को बाद में सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। संस्थान ग्राम संपर्क परियोजना के अंतर्गत काली माटी में जल प्रबंध हेतु सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित की गई। आवश्यकता के अनुरूप गांव में जल संग्रह हेतु छोटा तालाब बनाने की राय बनी। काली माटी के 33 एवं बड़ासी के 17 परिवारों ने तालाब खोदने हेतु अपनी सहभागिता प्रदान की। 21 मीटर लंबा, 8 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा तालाब खोदा गया। किसानों ने श्रमदान किया और संस्थान द्वारा निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई गई। तालाब से पानी खींचने के लिए पास ही एक पंप हाउस बनाया गया। इसके लिए डीजल इंजन और पंप सेट किसानों ने स्वयं मिलकर खरीदा और पंप हाउस संस्थान द्वारा बनाया गया। कुल 2 लाख रुपए के खर्च से सन 1998 में तालाब बनकर तैयार हुआ। इसमें संग्रहित जल 16 हेक्टेयर भूमि में 3 सिंचाई देने के लिए उपयुक्त पाया गया। संरचना के निर्माण में 35% हिस्सेदारी किसानों की थी और बाकी 65% का योगदान संस्थान ने किया। जल संसाधन के सुचारू उपयोग के लिए जल उपभोक्ता समिति का गठन किया गया। तय हुआ कि पानी का इस्तेमाल करने वाले सभी किसान इसका मूल्य चुकाएंगे। इस तरह बने सामाजिक कोष से पानी पहुंचाने का खर्च निकाला गया और सामाजिक कल्याण के कार्य भी हुए। पानी की उपलब्धता से काली माटी का कायाकल्प होने लगा। गेहूं की फसल न केवल लहलहाई बल्कि भरपूर उत्पादन भी मिला। इससे 2 फायदे हुए हैं जी। एक तो गेहूं हो जाता है खाने के लिए सब लोगों को, और दूसरे जो भूसा हो जाता है वो हमारे पशुओं के लिए, क्योंकि पहले गेहूं तो आदमी खाने के लिए ले लेता था मगर भूसा नहीं खरीदता था। 2 फायदे हुए हैं। और टैंक पे कम लगभग हमारा जो 70-75 हज़ार रुपया गांव वालों की भागीदारी लगी है, वो लगभग 2 साल में ही करीब करीब हम लोगों ने पूरी कर ली है। और उपज की जहाँ तक बात है सर, पहले तो प्रति हेक्टेयर करीबन 18-19 क्विंटल गेहूँ ही होता था, और अभी जो से पानी का प्रबंध हुआ है तो कम से कम 28-29-30 क्विंटल के लगभग, जैसी जमीन हो जहाँ पर थोड़ा अच्छी जमीन है वहाँ पर 30 क्विंटल तक भी पहुँच जाता है। अपनी सूझबूझ के कारण आज पूरा गांव खुशियां मना रहा है। ग्राम काली माटी में हुए करिश्मे की प्रसिद्धि आसपास के गांवों में फैलने लगी। यहां से कुछ दूरी पर नीचे की ओर स्थित भोपाल पानी गांव के किसान काली माटी में गेहूं की लहलहाती फसल देखकर हैरान रह गए। फलस्वरूप काली माटी के तालाब का पानी भोपाल पानी गाँव तक भूमिगत पाइप से पहुँचाने का प्रबंध किया गया। संस्थान ने पाइप मुहैया कराया और किसानों ने किया श्रमदान। तो हमने जो है सभी किसानों ने मिलके, भरी गर्मी, इतनी गर्मी थी कि मई और जून के महीने में हम सभी लोगों ने मिलके काम किया है, और जुलाई के महीने हम यहाँ पर पानी ले आए। आज हम 15 रुपए घंटे अपनी समिति में जमा कर रहे हैं कि लिया जाए। इस समय हमारी समिति में 6,000 रुपए जमा भी हो चुका है, वो हम अपनी टूट फूट के लिए हिसाब से काम कर रहे हैं अपनी समिति के ही, अपनी लाइन पर ही। हमारे यहाँ पर पानी आ गया तो दूसरी फसल भी चालू हो चुकी है। अब दूसरी फसल भी आपके सामने दिख रही है कि आज 3 साल से लगातार लोग जो है 2 फसलें कमा रहे हैं। जो या इस गांव में अक्सर लोग गेहूं चावल खरीदते थे, आज ये है कि खुद बेच रहे हैं। 270 लगभग 250 बीघे ऐसी कुछ ऐसा है जिसकी सिंचाई हो रही है। गेहूँ इस टाइम बढ़िया है। आज भोपाल पानी में भी अपार खुशियां दिखाई देती हैं। उपलब्ध जल संसाधनों से अब इन दोनों गांवों में लगभग 42 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होने लगी है।
सिंचाई की सुविधा में लगी लागत की भरपाई एक वर्ष में ही अधिक उपज के रूप में कर ली गई है। सिंचाई की सुविधा बढ़ने से गेहूं की पैदावार में 100% वृद्धि हुई और उपज 30 से 33 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई। कृषि अयोग्य क्षेत्र को खेती के काम में लाया जाने लगा है। साथ ही जल संसाधन प्रबंधन समिति की आमदनी भी बढ़ी। ग्राम काली माटी और भोपाल पानी में जल प्रबंध की सामुदायिक भागीदारी की कामयाबी सौटा सरोली और बड़ासी में भी दोहराई गई। पानी की उपलब्धता के कारण किसानों ने बागवानी में भी दिलचस्पी ली। आज इन चार गांवों में आम के 10,000 से ज्यादा पेड़ दिखाई देते हैं। पपीता और आंवले की सुधरी किस्में भी फल फूल रही हैं। कुआं विहीन क्षेत्र में किसानों ने 13 कुओं का निर्माण कर लिया है, जो जलाभाव के समय अतिरिक्त पानी उपलब्ध करा रहे हैं। घरेलू उद्योग धंधों को भी पानी की उपलब्धता से लाभ पहुंचा है। मैं यहाँ से 4 साल के लिए दूसरे गांव चल गया था, जब यहाँ फुसफुस होता था खेती में, क्योंकि वहाँ थोड़ी सी जमीन पानी वाली हमारी, उसी पर निर्भर करते थे। फिर दोबारा लौट के फिर इसी गांव में आए जी हम। इतने हमारा केंद्र भूमि संरक्षण विभाग यहाँ गाँव में पहुँच गया सर। अब मैं साल भर में 3-3 फसल लेता हूँ सर। यहाँ पर धान हो गई, मक्का हो गया, फिर फ्रांस बीन हो गई, फिर गेहूँ हो गया। काली माटी और भोपाल पानी में जल प्रबंध की सामुदायिक सफलता अन्य गांवों के लिए प्रेरणा की स्रोत बन गई। गांव पाववाला सोडा के 45 परिवार 25 हेक्टेयर भूमि को सिंचित बनाने हेतु कृत संकल्प हो गए। गांव में 3 किलोमीटर दूर से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा पानी लाया गया। सहभागिता द्वारा 70,000 लीटर पानी का तालाब जल स्रोत के पास बनाया गया। यहाँ के 45 कृषक परिवारों द्वारा 25 हेक्टेयर क्षेत्र में फसल उत्पादन के लिए सिंचाई के संसाधन बनाए गए। आज ग्राम पाववाला सोडा में 13 लीटर प्रति सेकंड पानी निकालने वाले 45 राइजर लगे हैं। किसानों के प्रत्येक परिवार को एक एक ट्यूबवेल मिल गया। सिंचाई की व्यवस्था है, ये संस्थान की बदौलत हुई है। यहाँ के कर्मचारी से लेकर एक वैज्ञानिक और निदेशक और इंजीनियरों ने इतना मेहनत हम लोगों के साथ की है कि ये पानी हम लोगों को पहुंचाया। जल प्रबंध की सामुदायिक भागीदारी में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। पर्वतीय क्षेत्र में कृषक महिलाएं 90% योगदान देती हैं। महिलाओं की भागीदारी एवं किसानों की सहभागिता से इन क्षेत्रों से जल संकट को सदा के लिए विदा कर दिया गया है। सिद्ध हो गया है कि सामुदायिक जल संसाधन प्रबंध से ही जल संकट दूर हो सकता है, कृषि में प्रगति लाई जा सकती है। यहाँ मिली कामयाबी को अन्य गांवों में बखूबी दोहराया जा सकता है। सामुदायिक जल प्रबंध गांवों के सामाजिक आर्थिक उद्धार का सशक्त जरिया बनकर उभरा है। केंद्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की उपलब्धियों से राज्य सरकार प्रभावित है और हर संभव सहायता व सहयोग के लिए तत्पर है। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने काली माटी के प्रगतिशील किसान श्री मंगल सिंह रावत को कृषक शिरोमणि उपाधि से अलंकृत किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ये संस्था पर्वतीय क्षेत्रों में सामूहिक सहभागिता से जल संसाधन प्रबंध का अनुकरणीय उदाहरण बन गई है। इन गांवों में वैज्ञानिकों और किसानों की साझेदारी ने सामुदायिक जल प्रबंध द्वारा खुशहाली की एक नई राह दिखाई है। इस राह पर चलकर उत्तरांचल के गांवों में और सम्पन्नता का सपना साकार करना संभव हो सकेगा।